अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं बात करेंगे हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस की। वट इज़ हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस? एज समवट एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो के, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ विच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड देयर इज ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव थायरॉयड फेलियर। इसमें हमें पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म किस में हमको वो मिलती हैं, केसेस मिलते हैं, एंड इट इज़ यूजली सीन इन दोस रीजन जहाँ पे जो आयोडीन की डिफिशेंसी है वो नहीं होती, मतलब जिन रीजन्स पे आयोडीन के लेवल्स नॉर्मल हो उन रीजन्स में ऑटो इम्यून की कंडीशन देखी जाती है। यूजली इट इज़ प्रेवलेंट बिटवीन 45 एंड 65 ईयर्स ऑफ एज ऑफ पेशेंट। जो मोस्ट कॉमन प्रेडोमिनेंस देखी जाती है वो फीमेल जेंडर में देखी जाती है, और हम आगे जितनी भी थायरॉयड के डिजीज पढ़ेंगे उसमें यही होगा कि फीमेल प्रेडोमिनेंस ज़्यादा है। किस तरह हम यहाँ पर भी दे सकते हैं कि देर इज 10:1 या 20:1 केस है फीमेल्स का, और चिल्ड्रन में भी कभी कभी ऑकर हो सकती है। और वही चिल्ड्रन में क्या कॉज होगी? नॉन एंडेमिक गोइटर, उन रीजन्स में ज़्यादातर ये कहते हैं हमको ये ऑटोइम्यून कंडीशन मिलती है हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस। इसकी जो पैथोजेनेसिस, उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसकी पैथोजेनेसिस के लिए जो बेसिकली ये वाला फ्लो चार्ट है इसको याद कर लेना, ये काफ़ी अच्छा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसमें अगर आप लोगों को याद हो, हमने थर्ड ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी इम्यून टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस की। इसमें बेसिकली होता है कि देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस टू थायरॉयड ऑटो एंटीजेंस। एज अ रिजल्ट थायरोग्लोबुलिन थायरॉयड पेरोक्सीडेज के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, एंड देर इज ऑल्सो सम एबनॉर्मेलिटी सीन इन द रेगुलेटरी टी सेल्स जिसको हम ट्रैक्स कहते थे, या देर इज एक्सपोजर ऑफ नॉर्मली सिक्वेस्टर्ड थायरॉयड एंटीजेंस के। बेसिकली होता क्या, जो हमने ट्रैक्स पढ़े थे पिछली साल, जो जीन्स होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर या विच इनकोड द रेगुलेटरी टी सेल रिस्पॉन्सेज द रिस्पॉन्सेज ऑफ ट्रैक्स, उन जीन्स में पॉलीमॉर्फिजम्स आ जाते हैं। वो जीन्स कौन कौन सी होती हैं? CTLA4 विच इज़ अ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4, योर PTPN22 विच इज़ योर प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोडेज 22, एंड इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर अल्फा चेन। इन सारी जो जीन्स हैं इनका बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका होता है, एंड इसमें होता क्या है कि देयर इज ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी देर इज डिप्लीशन ऑफ थायरॉयड एपिथीलियल सेल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द थायरॉयड पैरेन्काइमा बाय लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स एंड फाइब्रोसिस। ये इन्होंने सारा दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जितने भी एपिथीलियल सेल्स हैं सबका डैमेज हो रहा होता है, एंड जो थायरॉयड पैरेन्काइमा होते हैं नॉर्मल वो रिप्लेस हो चुका होता है किससे, जो भी लिम्फोसाइट्स आकर अटैक कर रहे होते हैं, जो भी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आकर जो भी अटैक कर रहे होते हैं उससे सारा ये रिप्लेस हो जाता है ये पैरेन्काइमा, और वहाँ पर फाइब्रोसिस भी हो रहा होता है। कौन कौन से सेल होते हैं ये तीनों ने यहाँ फ्लोचार्ट में दिखाए भी हैं कि एक तो सीडीएड साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं जो कि सेल डेथ कॉज करा रहे होते हैं, फिर साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डेथ वही होती है किससे, हेल्पर जो CD4 टी सेल्स होते थे उनके जो TH1 सेल्स होते थे वो बेसिकली इंटरफेरॉन गामा रिलीज कराते हैं, जिसकी वजह से हमें वी नो कि दे रिक्रूट एंड एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस विच डैमेज द फॉलिकल्स, एंड देयर इज ऑल्सो समटाइम्स डैमेज सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि देयर इज ADCC का मैकेनिज्म होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, जो कि नेचुरल किलर सेल्स हमें पता था कि ये फंक्शन कॉज करा देते हैं। तीनों फंक्शन यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ करके बताए हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी हम पढ़ लेते हैं कि जो थायरॉयड ग्लैंड होगा वो डिफ्यूजली इनलार्ज्ड होगा, कैप्सूल मेन चीज़ याद रखनी है उसका इंटैक्ट रहेगा, ग्लैंड इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर, जब कट सर्फेस करेंगे तो उसकी कट सर्फेस विल शो पेल येलो टैन फर्म एंड समवट नोड्यूलर ग्लैंड, देर वुड बी एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पैरेन्काइमा बाय मोनो न्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, जो मैंने अभी पीछे बता दी, विच विल बी कंटेनिंग स्मॉल लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स एंड वेल डिवेलप्ड टर्मिनल सेंटर्स। जो थायरॉयड फॉलिकल्स होंगे वो एट्रोफिक होंगे, वही अभी हमने पीछे बात कर ली कि एपिथीलियल सेल्स डैमेज हो चुके होंगे, एंड दीज एपिथीलियल सेल्स दे वुड बी बेसिकली बी रिप्लेस्ड बाय अबंडेंट इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म्स वाले सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज हर्थल सेल्स। के वट आर हर्थल सेल्स? मेन चीज़ याद रखनी है कि हमको हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस में हर्थल सेल्स मिलते हैं, कि दीज हर्थल सेल्स आर बेसिकली दोज एपिथीलियल सेल्स विच हैव अबंडेंट इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। और ये बनते क्यों हैं? दे ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स। और मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमें पता है जो नॉर्मल थायरॉयड एपिथीलियम होता है, लो कोलमनार या लो क्यूबॉइडल फॉलिकुलर एपिथीलियम, उसकी क्रॉनिक इंजरी हो रही होती है, क्रॉनिक इंजरी के साथ वहाँ पर मेटाप्लेजिया हो जाता है, मेटाप्लेजिया की वजह से क्या होता है हमारे पास इस तरह के एपिथीलियल सेल्स डेवलप हो जाते हैं कि जिनमें अबंडेंट इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होते हैं, दीज एपिथीलियल सेल्स आर टर्म्ड एज हर्थल सेल्स। कि मेन चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस में, या जो क्लासिक हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस की फाइंडिंग है, दैट इज़ ये कि जो हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे बायोप्सी के सैंपल्स की, तो उनमें हमें हर्थल सेल्स की प्रेजेंस मिलेगी इन कंजंक्शन विद हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के। हर्थल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस हमको बेसिकली मिलेगी, जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होगा वो भी इंक्रीज हुआ होगा, फाइब्रोसिस हो रही होगी लेकिन फाइब्रोसिस वुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। ये मेन चीज़ याद रखनी है, जो कैप्सूल होगा वो उसमें इंटैक्ट रहेगा। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें
पेनलेस इनलार्जमेंट मिलती है थायरॉयड ग्लैंड की, विच लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। कभी कभी ये होता है कि ट्रांजिएंट सी एक छोटी सी एपिसोड देखी जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस की, वो इसलिए देखी जाती है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द थायरॉयड फॉलिकल्स, के जब थायरॉयड फॉलिकल्स डैमेज हो रहे होते हैं तो वो जो थायरॉयड हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करा रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज हाशीटॉक्सिकोसिस। अब जब वो रिलीज करा रहे होते हैं उसकी वजह से जो फिर T4 T3 लेवल्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, टी एच के लेवल डिमिनिश हो जाते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन की अपटेक डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली ओवर द टाइम होता क्या है कि फिर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो डेवलप हो जाता है, वो सुपरवीन कर जाता है। और हमें पता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के हमारे पास जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती थी या जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स मिलती थी कि T4 T3 के लेवल्स डिक्रीज होंगे और जो TSH है उसका लेवल बड़ा बहुत है, एंड इट इज सीन के सेंस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो उन इंडिविजुअल्स जिनमें हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस होते हैं दे ऑल्सो हैव इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस विच कुड बी ऑफ एंडोक्राइन टाइप या नॉन एंडोक्राइन टाइप। एंडोक्राइन टाइप में एग्जांपल आ जाती है Type 1 diabetes या ऑटोइम्यून एडिनलाइटिस की, और नॉन एंडोक्राइन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है SLE की और मायस्थीनिया ग्रेविस या शोग्रेन सिंड्रोम की। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस। आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।